इधर देश की राजधानी दिल्ली में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। आपको बता दें, साथ ही कोहरे ने भी कोहराम मचा रखा है। मौसम की वजह से हवाई, रेल और सड़क की यात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में कुछ ट्रेनों को कोहरे और कम दृश्यता के कारण देरी का सामना करना पड़ रहा है। आखिरी दिन भी दिल्ली में ठंड बरकरार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम मंडी हाउस पे और आपको दिखाते हैं दिल्ली NCR में किस तरीके का तापमान जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। फॉग भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और तापमान की बात करते हैं तो दिल्ली NCR क्षेत्र में जो तापमान है वो इस वक्त जो है लगभग 12 डिग्री के आसपास जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और हम फॉग की बात करते हैं तो दिल्ली NCR क्षेत्र में फॉग की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि जो ट्रेनें हैं, जो फ्लाइट्स हैं, वो आज जो है लेट जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। खासतौर पर ट्रेन की बात करें तो उनकी जो डिले है वो आज जो है वो लगातार देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में भी कुछ इसी प्रकार की कड़ाके की सर्दी जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। यानी कल साल का पहला दिन और दिल्ली में खासतौर पर बात करें तो कुछ इसी प्रकार की जो सर्दी है वो देखने को जो है मिलती हुई नजर आएगी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों के तापमान की बात करते हैं तो पालम में लगभग 11.7 डिग्री टेम्परेचर, लोधी रोड पे लगभग 10.8 डिग्री टेम्परेचर जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया। तो ऐसे में पूरा दिल्ली NCR क्षेत्र जो है वो कड़ाके की ठंड से जो है जूझता हुआ नजर आ रहा है। लोग जो भी घरों से बाहर निकल रहे हैं वो पूरी तरीके से कवर होकर जो है निकलते हुए जो है नजर आते हैं, अपने मास्क लगाकर या फिर सर पर जो है टोपी पहनकर जो है निकलते हुए जो है नजर आते हैं। ऐसे में सीधे तौर पर बात करें तो जो कामकाजी वर्ग है जो सुबह घरों से बाहर निकलता है, फॉग के कारण जो विजिबिलिटी है कम होती हुई नजर आती है और उससे ट्रैफिक भी जो है स्लो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। तो फिलहाल दिल्ली NCR की बात करें तो ठंड पूरी तरीके से पड़ती हुई नजर आ रही है और जिसके कारण लोग भी जो है परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो लोग इस ठंड का लुत्फ भी उठाते हुए नजर आते हैं। खासतौर पर दिल्ली NCR की बात करें या फिर दिल्ली की खासतौर पर हम बात करते हैं तो आज रात की बात करें, 31 तारीख की रात की या फिर 1 तारीख की बात करते हैं तो लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट जो है करते हुए नजर आते हैं। जहां एक तरफ ठंड देखने को मिलती हुई नजर आती है तो दूसरी तरफ जो लोग जो है एक्साइटेड नए साल को लेकर जो है